7 अप्रैल से विदिशा में बागेश्वर धाम की भागवत प्रारंभ हो रही है, जिसके लिए सुबह 9 बजे से ही कलश यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई थी। विदिशा स्थित देवी का बाग से कलश यात्रा शुरू हुई, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी तैयारियां की गई। इसमें आने के रास्तों को व्यवस्थित तरीके से किया गया, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। कार्यक्रम में 1500 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज 7 अप्रैल से विदिशा बाईपास पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की विशाल भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। कथा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ संतों के समागम का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए संत भी समारोह में शामिल होंगे। बताया जाता है कि इस विशाल कार्यक्रम में प्रतिदिन लाखों लोगों का भंडारा होगा, साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।